वही डर सच हो रहा है, क्योंकि रिसेंटली जियोपॉलिटिकल डिफेंस फील्ड में एक मेजर चेंज देखने को मिल रहा है, और अब चीन पाकिस्तान के साथ मिलकर पाकिस्तान की नेवी पावर को बढ़ा रहा है, जो कि भारत के लिए चिंताजनक बात है। और हाल ही में एक खबर निकल कर आई कि पाकिस्तान को चीन की तरफ से स्पाई शिप मिल चुकी है। यह मामूली जहाज नहीं है, बल्कि यह एक ऐसा स्पाई शिप्स है जो कि न्यूक्लियर मिसाइल को ट्रैक कर सकता है, और इसीलिए यह भारत के लिए यह काफी चिंताजनक बात है, क्योंकि भारत जिस टेक्नोलॉजी को हार्ड वर्क करके डेवलप करता है, पाकिस्तान को चीन की तरफ से फ्री में एज ए गिफ्ट मिल जाती है। पूरी अपडेट क्या है इस वीडियो में समझते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। देखिए, इस बात में दो राय नहीं है कि चीन भारत के पड़ोसी देशों को वेपन्स और खतरनाक हथियारों की सप्लाई करता है, और खास करके देखा जाए तो पाकिस्तान को वह सभी टेक्नोलॉजी चीन की तरफ से मिल जाती है, जिसे भारत काफी ज्यादा रिसर्च और हार्ड वर्क से डेवलप करता है। जहां हाल ही में एक ऐसी खबर निकल कर आई कि पाकिस्तान को चीन की तरफ से स्पाई शिप्स डिलीवर की जा चुकी है, और आपको बता दें कि स्पाई शिप्स कोई मामूली शिप या वेसल्स नहीं है, बल्कि यह एक एडवांस्ड लेवल का जासूसी जहाज माना जाता है, क्योंकि इस स्पाई शिप के द्वारा किसी भी बैलिस्टिक मिसाइल या न्यूक्लियर मिसाइल को आसानी से ट्रैक किया जा सकता है। You cannot chain. और देखा जाए तो यह स्पाई शिप कुछ गिने चुने देशों के पास ही मौजूद है, जिसमें अमेरिका, भारत, चीन, फ्रांस, रूस और ब्रिटेन शामिल है। और इस समय चीन के पास सबसे ज्यादा स्पाई शिप्स मौजूद है, जिसका इस्तेमाल चीन समुद्र के माध्यम से पड़ोसी देशों में जासूसी करने के लिए करता है। लेकिन अब इस लिस्ट में पाकिस्तान भी शामिल हो चुका है, जिसके पास स्पाई शिप मौजूद है। हालांकि इन सभी देशों ने अपने अपने जासूसी जहाजों को खुद विकसित किया है, लेकिन पाकिस्तान ने इसे चीन से खरीदा है, क्योंकि चीन ने पाकिस्तान को काफी लो क्वालिटी की, या कहें कि छोटी स्पाई शिप सप्लाई किया है। लेकिन इसके बावजूद भी यह भारत के लिए काफी बड़ा चैलेंज है कि भारत का छोटा सा पड़ोसी देश होकर खुद की स्पाई शिप्स ओशियन में ऑपरेट करेगा। यानी कि देखा जाए तो जिस तरह भारत के पास INS ध्रुव स्पाई शिप्स है, उसी तरह या कहें कि INS ध्रुव का छोटा वेरिएंट पाकिस्तान ने चीन से मंगाया है। पाकिस्तान ने जो स्पाई शिप चीन से मंगाया है, उसका नाम है PNS रिजवान। जिस तरह से भारत के शिप के आगे INS यानी कि इंडियन नवल शिप लगता है, उसी तरह पाकिस्तान के स्पाई शिप्स का नाम PNS रिजवान यानी कि पाकिस्तान नवल शिप रखा गया है। पाकिस्तानी नौसेना के इस पहले जासूसी जहाज का खुलासा सैटेलाइट इमेजरी के जरिए किया गया है। पाकिस्तान ने अभी तक इस जासूसी जहाज को लेकर कोई भी बयान नहीं दिया है। पाकिस्तान के पहले जासूसी जहाज को भारत के INS ध्रुव का जवाब माना जा रहा है, लेकिन दिक्कत वाली बात यह है कि भारत ने जिसकी टेक्नोलॉजी पर कई सालों तक हार्ड वर्क करके डेवलप किया, उसे पाकिस्तान को चीन की तरफ से यूं ही फ्री में मिल गया। यह जो दिखाई दे रहा है, यह है भारत का INS ध्रुव, जिसे बनाने में लगभग 1500 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट हो चुका है, और इसके काफी यूनिक फीचर है, जिसे भारत में खुद स्वदेशी तौर पर डेवलप किया गया है। आपको बता दें कि इसे भारत की DRDO यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन और नेशनल टेक्निकल रिसर्च ने मिलकर बनाया है। INS ध्रुव को साल 2021 में उपग्रह और बैलिस्टिक परमाणु मिसाइलों को ट्रैक करने की क्षमताओं के साथ भारतीय नौसेना में शामिल किया गया था। अगर भारत के INS ध्रुव और पाकिस्तान के PNS रिजवान की बात की जाए, तो भारत का जो INS ध्रुव है, उसकी लंबाई 175 मीटर है, जबकि पाकिस्तान का PNS रिजवान लगभग इसका आधा यानी कि 87 मीटर लंबा है। आपको बता दें कि भले ही पाकिस्तान का स्पाई शिप्स भारत की तुलना में छोटा है, लेकिन यह किसी भी मामले में भारत के स्पाई शिप्स से कमजोर नहीं है। लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि भारत का INS ध्रुव स्वदेशी तौर पर डेवलप किया गया है, जबकि पाकिस्तान ने अपने स्पाई शिप्स को चीन से मंगाया है। इन्हें एडवांस इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी से बनाया जाता है,
जिससे यह स्पाई शिप्स किसी भी न्यूक्लियर मिसाइल को काफी दूर से आसानी से डिटेक्ट कर लेती हैं और उसे टारगेट पर पहुंचने से पहले ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। वैसे देखा जाए तो यह स्पाई शिप भारत जैसे देशों के लिए सुरक्षा के तौर पर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंडिया एक मैसिव देश है तो सिक्योरिटी पर्पज के लिए स्पाई शिप काफी जरूरी है, क्योंकि भारत पर अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल से कब अटैक हो जाए इसका कोई भी भरोसा नहीं है। इसीलिए मिसाइल ट्रैकिंग शिप्स सिक्योरिटी पर्पज के तौर पर भारत के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई भी देश भारत पर मिसाइल से अटैक करने का प्रयास करता है तो ये जो स्पाई शिप्स में रडार सिस्टम है उस मिसाइल लॉन्चिंग के डाटा को इकट्ठा करके जल्द से जल्द हेडक्वार्टर तक पहुंचाने का काम करेगा, जिससे हम समय रहते उसकी निगरानी करते रहेंगे और यदि कोई दुश्मन देश भारत पर मिसाइल का अटैक भी करता है तो उसे एयर डिफेंस सिस्टम द्वारा हवा में ही डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा। देखिए, इंडिया के पास जो स्पाई शिप्स है वह केवल न्यूक्लियर और बैलिस्टिक मिसाइल का पता लगा सकती हैं, लेकिन इसमें मिसाइल लॉन्च करने की कैपेबिलिटी नहीं है। और इसके अलावा भारत में एक और स्पाई शिप्स को डेवलप किया है जिसका नाम है INS अविनेश, जो कि INS ध्रुव की तुलना में थोड़ी छोटी है। और इस समय इन दोनों जासूसी जहाज को अरेबियन सी और वे ऑफ बंगाल में डिप्लॉय कर दिया गया है और 100% गारंटी है कि इन दोनों जासूसी जहाज के रहते भारत पर कोई भी सरप्राइज अटैक नहीं हो सकता है। फिर भी भारत इन जासूसी जहाज का इस्तेमाल केवल अपनी सुरक्षा के लिए करता है, लेकिन चीन के जो जासूसी जहाज है वह ज्यादातर इंडियन ओशियन और वे ऑफ बंगाल में घूमते हुए देखे जाते हैं। और उनके जो ज्यादातर जासूसी जहाज है वह भारत में जो मिसाइल टेस्ट होती है उन पर नजर रखने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। हालांकि इस जासूसी जहाज को मई से जून 2023 तक चीन से इंडोनेशिया तक के सफर के दौरान मरीन ट्रैफिक की वेबसाइट पर ट्रैक किया गया था। इस दौरान इस जासूसी जहाज ने अपने ऑटोमेटिक आइडेंटिटी सिस्टम को ऑन किया हुआ था। ओपन सोर्स इंटेलिजेंस विशेषज्ञ डेमियन साइमन ने पाकिस्तानी जासूसी जहाज की पहली तस्वीर को दुनिया के सामने लाया है। उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि पाकिस्तान के इस आधुनिकीकरण प्रयास को चीन द्वारा हिंद महासागर क्षेत्र में अपने रणनीतिक हितों के साथ गठबंधन करने का समर्थन प्राप्त है, जिसका उद्देश्य एक महत्वपूर्ण सहयोगी की क्षमताओं को बढ़ाना है। हालांकि पाकिस्तान इस जासूसी जहाज का इस्तेमाल पिछले साल से कर रहा है, लेकिन किसी को इसकी भनक नहीं लगी। बाकी आप लोग अपनी राय कमेंट में बताइए कि क्या चीन जिस तरह से अपने पैर पाकिस्तान में पसार रहा है वह भारत के लिए खतरा बन सकता है या नहीं।